सभी भक्तों को मैं प्रणाम करता हूं, आपके हृदय में विराजमान प्रभु को मैं भी प्रणाम करता हूं। सनातन धर्म में कई देवी देवताएं हैं, कोई शिव की आराधना करता है, कोई विष्णु की आराधना करता है, कोई ब्रह्मा की आराधना करता है, कोई शक्ति की आराधना करते हैं और कोई तो आराधना ही नहीं करता है। वो अपने आप में बक्स यही होता है इसके जीवन में कि जो मिला है उसे भोगते रहो, जो कर्म के माध्यम से प्राप्त हुआ है उसका आनंद करते रहो। कभी मंदिर भी नहीं जाते, कभी किसी को दान भी नहीं देते, कभी भूखे को रोटी भी नहीं खिलाते। तो लोगों की हर अलग अलग सोच है, मगर आज मैं कुछ बताने जा रहा हूं कि उस भगवान कृष्ण, उनके पास कौन सी ऐसी शक्ति थी जिसके माध्यम से वो 16 कला पूर्ण थे। तो क्या हम भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं तो वो 16 कला पूर्ण क्या हमारे शरीर में आ जाती है? हम उस 16 कला पूर्ण उस भगवान कृष्ण को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े संतों ने अलग अलग महिमा बताई है, मगर एक साधक जो गुरु के माध्यम से जो सीखा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। कई लोग को प्रमाण पत्र देते देते हैं कि ये करोगे तो ये होगा ही होगा। आत्मविश्वास है उनका, गुरु के प्रति श्रद्धा है और हो जाता है। मगर यहां भगवान कृष्ण की वो शक्ति जिसको कहते हैं स्व सम्मोहन, स्व यानी कि खुद, सम्मोहन, आप अपना चेहरा कभी मिरर में देखते हो तो शायद किसी को अपना चेहरा पसंद आता है, किसी को नहीं पसंद आता है। देखो ना यार, मेरा ये फ्रेंड कितना अच्छा दिखता है। यहां आपका रंग सफेद हो या काला हो उससे कोई मतलब नहीं है। भगवान कृष्ण भी श्याम वर्ण थे, फिर भी उसके अंदर शरीर के ऊपर, उनके चेहरे के ऊपर एक अवलौकिक आभा थी जिसके माध्यम से गाय माता भी उनके पास आ जाती थी, हर शक्तियां उनके पास आ जाती थी। कहां से सीखी होगी, कहां से आई होगी? शक्ति को प्राप्त करने के लिए साधना करनी पड़ती है और भगवान कृष्ण भी सांदीपनी ऋषि के आश्रम में जाकर के, भगवान स्वयं होने के बावजूद भी सांदीपनी को अपने गुरु स्वीकार करके उनसे विद्या सीखी। स्वयं भगवान थे, कृष्णम वंदे जगत गुरु, जिनको हम मानते हैं, पूरा सनातन धर्म मानता है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जैसे कोई अवतार नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने ही गुरु के चरणों में जाकर के, गुरु के आश्रम में जाकर के लकड़ियां काटी और गुरु के पास रह करके साधनाएं सीखी। आप भी सीख सकते हो ना, आप भी गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण विश्वास रख सकते हो। आज तो ऐसा एक चमत्कारिक कोई आ गया तो उनको गुरु स्वीकार लिया, कोई और चमत्कारिक उनसे भी ज्यादा बड़ा आ गया उनको गुरु स्वीकार लिया। तो यानी कि जैसे आप गाड़ी बदलते हो ऐसे गुरु को बदलते रहते हैं, ठीक है परिवर्तन। मगर यहां जो बात है, आप जब पैदा हुए तो आपके पिताजी पिताजी ही रहेंगे, जन्म से लेकर मरण तक वो आप अपने आप में किसी को अपना पिता मान लो वो बात अलग है, मगर जो आपके पिता है, जो आपके खून के पिता है वो कभी नहीं बदल सकते। जो आपकी माँ है वो कभी नहीं बदल सकती, वो माँ माँ है। जिनके गर्भ में आप 9 महीने तक
अपने आप में अपना शरीर मन ये पूरा जीवन के अंदर आपका जो शरीर का ढांचा है जिन्होंने दिया है कैसे बदल सकते? नहीं बदल सकते। वैसे ही जीवन के अंदर उस तत्व को प्राप्त करने के लिए, जीवन के अंदर उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनियों ने बहुत साधना का एक अपने आप में प्रयोग बताया गया, साधना सीखी गई। तो यहां स्वसम्मोहन साधना भगवान कृष्ण की, जिसके माध्यम से स्वसम्मोहन शब्द निकला। आप कहोगे कि गुरुजी ये साधना हम कैसे करें, और ये साधना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप व्यापारी हो ना, आप किसी को मिलने के लिए जाओगे, अगर स्वसम्मोहन आपके पास नहीं होगा तो आप सामने वाले को कैसे इंप्रेस कर पाओगे। अगर आप सेल्समैन हो तो भी स्वसम्मोहन की बहुत जरूरी है। आप एक्सप्लेन करते हो उनको, मगर वो इतना आपसे इंप्रेस नहीं होता तो आप व्यापार में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आप विद्यार्थी हो तो स्वसम्मोहन नहीं होगा तो आत्मविश्वास की कमी हो जाए। स्वसम्मोहन, दो फ्रेंड आसपास बैठे, वो एक दूसरे को हंसते हैं, साइड नजरों से देख करके हंसने की क्रिया करते हैं, तो आप लगते हैं यार मैं क्या करूं, देखो ना ये मुझे बुली कर रहे हैं। तो टीचरों के पास जाकर के आप कंप्लेन करते हो, घर पे आकर के माँ बाप के सामने कंप्लेन करते हो, कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो स्वसम्मोहन को बढ़ाने के लिए भगवान कृष्ण की ये साधना जो भगवान कृष्ण के पास थी, उनके गुरु के माध्यम से थी, तो उस साधना का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए आप भगवान कृष्ण के मंत्र से प्रणीत एक सम्मोहन कवच धारण करें, प्राप्त करें गुरु के पास। सम्मोहन का मतलब भी मैं यहां बता देता हूं। स्वसम्मोहन का मतलब सेल्फ, अपने आप में एक अट्रैक्टिव बनाए। क्रीम के माध्यम से नहीं, लिपस्टिक के माध्यम से नहीं, बालों में कलर डालने के माध्यम से नहीं। मैं तो कहीं अपने आप में लोग को देखता हूँ, हमारे कहीं भारत से कलाकार आते हैं कि तो हर वीक वो लाली लगा करके, क्या मेहंदी बहंदी लगा करके ऐसे काले भंवरे की तरह माल बना देते हैं, 6 महीने के बाद पता चलता कि चूना ऊपर लग गया। तो एक ऐसी क्रिया बन जाती है कि खुद को पता नहीं कि काले हैं कि भंवरे हैं। तो कई बार एक ऐसी हंसने की क्रिया आ जाती है कि भाई हम क्या करें क्या नहीं। तो स्वसम्मोहन का मतलब चाहे आपके बाल सफेद भी हो और आपको कोई सामने वाला देखे तो उनको लगना चाहिए कि इसके अंदर कोई दैवीय शक्ति है, आप भी बन सकते हो। उसके लिए एक स्वसम्मोहन कवच यंत्र और सम्मोहन माला, दो चीज आवश्यक है। उसको आप पहनोगी भी ना तो उस शक्ति के माध्यम से आपके शरीर का जो ओराज है वो पॉजिटिव बन जाएगा। इसका मंत्र आपको बता देता हूं, ओम संभवाय सम्मोहनाय कृष्णाय नमः। इस मंत्र की एक माला जाप करें, मगर किस दिन करें? इस साधना को महीने में एक बार कर सकते हो, सिर्फ पूर्णिमा के दिन। और पूर्णिमा के दिन ये साधना जब आप करोगे तो आपके जीवन के अंदर एक भगवान कृष्ण की उस शक्ति, सम्मोहन की शक्ति है, उसको प्राप्त करने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। इस साधना को करने से पहले आप एक बार सोचना कि मैं ये साधना करने जा रहा हूं, करने जा रही हूं, तो स्व यानी कि स्वयं को डेवलप करने के लिए, स्वयं की शक्ति को बाहर निकालने के लिए। दूध के अंदर मक्खन है, मगर दूध में से मक्खन बनाने की क्रिया आपको नहीं आती, मक्खन कहां से मिलेगा? हमारे अंदर ही इस शक्ति है, उस शक्ति को भगवान
कृष्ण की स्वयं स्वसम्मोहन क्रिया की से शक्ति आपको प्राप्त हो। और मैं इतना कहूंगा कि यह शक्ति को प्राप्त करने के लिए जीवन के अंदर अपने आप में साधना का एक विशेष शक्ति गुरु की शक्ति के साथ आपको मिल जाएगी। मगर योग्य आपके पास कवच होना चाहिए, योग्य आपके पास यंत्र होना चाहिए और योग्य आपके पास मंत्र के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। जब मंत्र के प्रति श्रद्धा होगी, गुरु के प्रति श्रद्धा होगी, स्वयं अपने आप पे सफलता प्राप्त हो जाएगी। ये साधना एक अवलौकिक है, अद्वितीय है, अमूल्य है और ये साधना सीखने से पहले भगवान कृष्ण के प्रति भी श्रद्धा होनी चाहिए क्योंकि उनकी परंपरा की शक्ति है। फिर कहेंगे हम तो भगवान कृष्ण में इतने बिलीव नहीं करते, हम तो अपने आप में कहीं और बिलीव करते हैं, तो आपको काम नहीं आएगा। मैं इतना ही कहूंगा कि श्रद्धा, समर्पण और विश्वास ये सब आप साथ में रखना। श्रद्धा, समर्पण, विश्वास नहीं होगा कोई साधना आपको काम नहीं करेगी। जीवन में गुरु के प्रति भी श्रद्धा हो, अपने पूर्वजों के प्रति भी श्रद्धा हो और अपने माँ बाप के प्रति भी श्रद्धा हो। यहां एक चीज बताऊं कि अगर आपके माँ बाप कहीं और धर्म में बिलीव करते हैं और आप कहीं और धर्म में बिलीव करते हो, आपके माँ बाप कहीं और देवताओं को बिलीव करते हैं, आप कहीं और देवताओं में बिलीव करते हो, कोई बात नहीं, आपका खून उस परंपरा का है, मगर आपके कर्म कहीं और है। आपका खून उस परंपरा का है मगर आपकी आत्मा कहीं और से है। जीवन के अंदर हर प्रकार की बातें, हर प्रकार की क्रियाएं होती रहती है, होती रहनी चाहिए। साधना, शक्ति, मंत्र, उपासना ये हर चीज होती रहती है। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि जीवन के अंदर अपने आप में बहुत कुछ प्राप्त होगा अगर आप साधना करोगे तो, अगर आप मंत्र जाप करोगे तो, अगर आप अपने आप में ऐसी क्रियाएं करोगे तो जीवन आपका अमूल्य बनेगा। जीवन में हर प्रकार की क्रियाएं बनती रहेगी, हर वक्त आपको नई नई चेतना प्राप्त होती रहेगी और ये नई नई चेतना प्राप्त जब होगी तो आप अपने आप में एक, जो हमारे भगवान कृष्ण के प्रति जो श्रद्धा थी, जो हमारे भगवान कृष्ण के प्रति जो आराधना थी, हमारे भगवान कृष्ण की जो शक्तियाँ थी, वो शक्तियाँ का अपने आप में एक प्रमाण पत्र आप खुद ही प्राप्त कर पाओगे। जीवन में आध्यात्मिक शक्ति के साथ जोड़ना है तो आपको अपने आप को जैसे एक सोना अग्नि में चले जाता है और अपना स्वयं कलर खो देता है, वैसे खोने के बाद वो जो प्राप्त करता है ना, वो स्वयं उसके अंदर एक ऐसा आभूषण बन जाता है कि देवी देवताओं के ऊपर वो आभूषण चढ़ जाते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि स्वसम्मोहन साधना आपके जीवन में एक ऐसी सम्मोहित की क्रिया बनाए कि जीवन
भगवान कृष्ण की, इसीलिए तो भगवान कृष्ण को कृष्णम वंदे जगद्गुरु ऐसे ही नहीं कहा गया। आप देखो तो ये जो पत्ता है उसके अंदर भी एक स्वसम्मोहन है। आप इस पत्ते को भी देखोगे तो उसके अंदर भी एक ऐसी शक्ति है कि जिसको देखते ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। और वही पत्ता अगर सूख गया हो, वही पत्ता अगर मर रहा हो, तो आप कहोगे कि यार ये तो पत्ता सूखा हुआ है। मगर जब तक इस पत्ते के अंदर शक्ति रहती है, जब तक इस पत्ते के अंदर एक आभा मंडल के अंदर तत्व रहता है, तो ये पत्ता अपने आप में दिव्यता प्रदान करता है। वैसे ही शरीर के अंदर जब तक रस तत्व रहता है, उस तत्व को जागृत करने की क्रिया साधना करते हैं, तो सम्मोहन विद्या, स्व सम्मोहन विद्या की साधना अपने आप में सेल्फ ब्यूटी प्रदान करेगी। स्व सम्मोहन की साधना, आप देखो भगवान कृष्ण का या तो कोई भी देवी देवताओं का आप चित्र देखोगे तो इसके अंदर आभा है, इसके अंदर ओराज है। वो क्या है? स्व सम्मोहन, सेल्फ आइडेंटिटी। अब जब स्व सम्मोहन की क्रियाएं जो है वो अपने आप में एक ऐसी अवलोकिक क्रिया है कि जीवन परिवर्तन कर देगा। मैं आपको इतना ही कहूंगा, ऐसी साधना मिली है तो सदुपयोग करना। ऐसी साधना की बातें की है कभी सुनना, इस साधना की बात की है तो कभी इस साधना के नजदीक जाना, इस साधना का सदुपयोग करके दूसरे 10 लोग, आपके घर में 5 लोग है ना, तो कभी एक आदमी एक चित्र खींच लेना अपना, और साधना करने के बाद 6 महीने के बाद चित्र खींचना। आप खुद अनुभव करोगे कि इस साधना के माध्यम से हमारा सेल्फ डेवलपमेंट कैसे हुआ। परिवार के हर लोग ये साधना करो, और कई वक्त साधना करने का वक्त भी नहीं मिले तो ऐसा स्व सम्मोहन का यंत्र प्राप्त करके गले में धारण कर सकते हो, माला को धारण कर सकते हो। आप इंटरव्यू आपका हो रहा है, आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो, आपका व्यापार में सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो, आप विद्यार्थी हो तो पढ़ाई में सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो, ये सभी में ये क्रिया आपको काम करेगी। और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ, मेरे गुरु परंपरा से प्रार्थना करता हूँ, आपका ये विशिष्ट प्रयोग आपके जीवन में एक अलौकिकता दे। ओम शांति शांति शांति।